एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम मेन लीड ताकुमी को देखते हैं, जो कि काफी फेमस डिजाइनर है। उसने डिजाइनिंग के वर्ल्ड में बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। देन हाल ही ड्रामा में 5 साल का टाइम जंप होता है, जहां ताकुमी की 5 साल बाद की लाइफ बताई जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे स्लैप मारती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी फ्रेंड के साथ सोते हुए? ताकुमी कहता है, तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे पहले से इनवाइट किया। तभी वहां एंट्री होती है फीमेल लीड नोदाकुरा नाहुकी, जो कि जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी, पर इस कपल का झगड़ा देखने वहीं रुक जाती है। जैसे ही ताकुमी की नजर नोदाकुरा पर पड़ती है, वो उसके पास जाता है और खींच कर अपनी गर्लफ्रेंड के पास लेकर आता है। आज से ये मेरी न्यू गर्लफ्रेंड है, नोदाकुरा कहती है, ये तुम क्या पक रहे हो? तभी उसकी न्यूली एक्स गर्लफ्रेंड नोदाकुरा को हैंडबैग से मारने वाली होती है। ताकुमी नोदाकुरा को अपनी बॉडी से कवर कर लेता है, पर उसके ब्यूटीफुल फेस पर लग जाती है। न्यूली एक्स गर्लफ्रेंड वहां से चली जाती है, नोदाकुरा उससे दूर होती है। ताकुमी उससे कहता है, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैंने अभी जो कहा वो मजाक था, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। नोदाकुरा आंखें दिखाते हुए कहती है, मुझे पता है। नोदाकुरा फिर जाने लगती है, थोड़ा चलने के बाद रुकती है और फिर लौटकर वापस आती है। ताकुमी को हैंकी देती है फेस साफ करने और कहती है, ये इसलिए क्योंकि तुमने मुझे अभी प्रोटेक्ट किया। ताकुमी वो हैंकी ले लेता है और नोदाकुरा से उसका नंबर मांगता है, जिससे वो उसके लिए न्यू बाय करके दे सके, पर नंबर देने से नोदाकुरा साफ मना कर देती है। ताकुमी हंसते हुए नोदाकुरा के सर पर हाथ रखता है और कहता है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर तुम केयरफुल रहना, नहीं तो तुम्हें मेरे जैसे फ्लटी बॉयज छोड़ेंगे नहीं। नोदाकुरा वहां से चली जाती है। ताकुमी अपनी स्मॉल कंपनी जाता है, उसने अपनी हाई लाइफ छोड़ दी है और अब बस ये एक छोटी सी 2 एम्प्लॉय की कंपनी रन करता है। एम्प्लॉय अमारी और उरेई हैंकी ताकुमी के फेस पर देखकर समझ जाते हैं कि ये अपनी गर्लफ्रेंड से पिटकर आया है। उसी टाइम डोर नॉक होता है। ताकुमी देखता है कि नोदाकुरा उसकी छोटी सी कंपनी में टेम्पररी अकाउंट की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई है। नोदाकुरा ताकुमी को देखकर चौंक जाती है। ताकुमी उसे बताता है, मैं हूँ सोलो डिजाइन का CEO। इंटरव्यू में जब नोदाकुरा अपना रिज्यूमे देती है, तो ताकुमी कहता है, अच्छा तो तुम मुझे अपना नंबर दे रही हो, बेचारी नोदाकुरा और क्या करती। फिर वो अपना नेम बताती है, नोदाकुरा नाहू। ताकुमी उसे कहता है, नोदाकुरा अजीब लास्ट नेम है। नोदाकुरा कहती है, वो नोदाकुरा नहीं नोदाकुरा है, पर ताकुमी उसे नोदाकुरा ही कहता रहता है। अब से मैं भी नोदाकुरा को नोदाकुरा ही कहूंगी, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। नोदाकुरा कहती है, मुझे पता है आप मुझे हायर नहीं करोगे, और वो जाने लगती है। ताकुमी कहता है, मैंने तुम्हें हायर कर लिया है। नोदाकुरा खुश होती है। नेक्स्ट डे नोदाकुरा टाइम पर ऑफिस पहुंचती है। अमारी और उरेई उसे ताकुमी के बारे में बताते हैं कि वो 20s के फेमस डिजाइनर थे, पर 5 साल पहले उन्होंने डिजाइनिंग छोड़ दी, और साथ ही बताते हैं कि चाहे कुछ हो, वो ताकुमी से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में ना पूछे। देन ताकुमी ऑफिस पहुंचता है। वो नोदाकुरा से कहता है, ये स्लीपर्स मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है, क्योंकि हाई हील्स में तुम अच्छे से वर्क नहीं कर सकती। नोदाकुरा सोचती है, ये कितना अच्छे बॉस है। स्लीपर्स पहनते ही वो गिर पड़ती है और ताकुमी जोर जोर से हंसने लगता है। नोदाकुरा समझ जाती है उसका बॉस ट्रिकी है। स्लीपर्स फ्लोर पर टेप से चिपके हुए थे। हर रोज ऑफिस में ताकुमी नोदाकुरा को बहुत टीस करता। वो हर जगह स्टिकर चिपका देता कि नोदाकुरा इडियट है। उठते बैठते चलते फिरते वो उसे परेशान ही करता रहता है कि नोदाकुरा इडियट है। शाम को जब नोदाकुरा घर जाती है, तो उसे मैसेज आता है। उसे पढ़कर वो स्माइल करती है। ताकुमी पेपर प्लेन बनाकर उसे हिट करता है और पूछता है, क्या बॉयफ्रेंड का मैसेज है? नोदाकुरा कहती है, नहीं नहीं ये मेरा फ्रेंड है, हम साथ में नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट डे ताकुमी नोदाकुरा के साथ शॉपिंग करके वापस आ रहा था। ताकुमी उससे उसके ड्रीम जॉब के बारे में पूछता है। वो बताती है, मेरा ड्रीम है ऑफिस वर्कर के तौर पर वर्क करना, पर मुझे अभी तक अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिली। मेरे ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है, लोग मेरा नेम भी याद नहीं रख पाते, पर फिर भी मुझे होप है कि मुझे एक दिन अच्छा फ्रेंड मिलेगा और बॉयफ्रेंड भी मिलेगा, जो सिर्फ मुझे लव करेंगे। ताकुमी कहता है, पर जरूरी नहीं है कि तुम्हें अच्छे फ्रेंड्स ही मिले, कुछ तुम्हें धोखा भी दे सकते हैं। नोदाकुरा कहती है, पर फिर भी मैं ट्राई करूंगी। ताकुमी कहता है, मुझे लगा ही था तुम यही कहोगी, और वो जाने लगता है। तभी नोदाकुरा का फ्रेंड
शिमाजू उससे मिलता है। ये वही है जिसने उसे मैसेज किया था और ये दोनों साथ कंपनी में वर्क करने वाले हैं। शिमाजू नोराकुरा से कहता है कंपनी में इंटरव्यू की डेट चेंज हो गई है, इंटरव्यू अब 19 की जगह 26 को है। दूर खड़ा ताकुमी उसकी सारी बात सुन लेता है और बीच में बोलता है, ये लड़का झूठ बोल रहा है, अगर इंटरव्यू की डेट चेंज होती तो कंपनी का एम्प्लॉय खुद नोराकुरा को इन्फॉर्म करता। नोराकुरा को ताकुमी पर गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि वो शिमाजू से माफी मांगे। उसके कहने पर वो शिमाजू से माफी मांग लेता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे अमारी ताकुमी को बताता है कि सांग्यो कंपनी को हमारा डिजाइनिंग आइडिया बहुत पसंद आया। नोराकुरा कहती है, ये तो वही कंपनी है जिसमें मेरा 26 को इंटरव्यू होने वाला है। तभी नोराकुरा को सांग्यो कंपनी से कॉल आता है ये पूछने कि वो इंटरव्यू देने क्यों नहीं आई। नोराकुरा एम्प्लॉय से शिमाजू के बारे में पूछती है। एम्प्लॉय बताती है कि उसे सिलेक्ट कर लिया गया है उसकी जगह पर। नोराकुरा समझ जाती है शिमाजू ने उससे इंटरव्यू डेट का झूठ इसलिए बोला जिससे उसे जॉब मिल जाए। ताकुमी नोराकुरा की सारी बात सुन रहा था। वो नोराकुरा के पास आकर कहता है, तुम सांग्यो कंपनी कॉल करके उन्हें सब सच बताओ कि तुमसे झूठ बोला गया इंटरव्यू की डेट को लेकर। पर नोराकुरा ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है, तुमने मुझे वार्न भी किया था कि मेरा फ्रेंड मुझे धोखा दे रहा है, पर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम पर विश्वास भी नहीं किया। ये मेरी गलती है, इसलिए इसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। नोराकुरा रोना चाहती है पर वो रोती नहीं है। ताकुमी जोर से उसका चीख खींचता है और कहता है, मुझे पता है तुम रोना चाहती हो, अगर चीख खींचना तुम्हें हर्ट कर रहा है तो तुम रो सकती हो। नोराकुरा रोने लगती है, ताकुमी उसे हग कर लेता है। नोराकुरा उसे बताती है कि उसे हमेशा ऐसे ही धोखे मिलते हैं। रात को ताकुमी अकेला खड़ा नोराकुरा के बारे में सोच रहा होता है और स्माइल के साथ एक बॉक्स को देखता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में वो नोराकुरा के पास जाकर कहता है, इस कंपनी में हर एम्प्लॉय अपनी मर्जी का मालिक है, ये बड़ी कंपनी तो नहीं है पर फिर भी मैं तुम्हें इस छोटी सी कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय बनने का ऑफर देता हूँ। ये सुनकर अमारी और उरेई भी शौक होते हैं कि इतने कम दिनों में ताकुमी किसी को परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बनाता, पर उसने पहली बार नोराकुरा को इतने कम दिनों में परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया। ताकुमी नोराकुरा को बॉक्स देते हुए कहता है, ये बिजनेस कार्ड मैंने तुम्हारे लिए खुद डिजाइन किए हैं। नोराकुरा खुशी से वो कार्ड्स देखती है पर उन पर लिखा होता है, नोराकुरा इडियट है। ताकुमी हंसने लगता है। नोराकुरा कहती है, तुम बुरे हो। ताकुमी कहता है, असली वाले तो ये हैं। नोराकुरा उन्हें लेने उसके पीछे भागती है। ताकुमी नोराकुरा को टीज करते हुए बड़ा हंस रहा था और इसी के साथ एपिसोड 1 एंड होता है।